हाय, वेलकम टू प्लानिफाई, वेयर वी हेल्प यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स। आज के अपडेट्स के अकॉर्डिंग GKN ड्राइवलाइन इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 29.4% की गिरावट हुई है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 941 करोड़ रुपीज़ थी, वह फाइनेंशियल ईयर 2021 में 664 करोड़ रुपीज़ रह गई है। और कंपनी के बॉटम लाइन में 10.6% ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 63 करोड़ रुपीज़ था, अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में 56.5 करोड़ रुपीज़ रह गया है। कंपनी ने इस साल ₹62 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिससे इस डिविडेंड का पेआउट रेशो 141% हो जाता है, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। कंपनी के मैनेजमेंट ने इस डीग्रोथ का कारण लोअर डिमांड को दिया है, जो COVID-19 की वजह से लगाई गई लॉकडाउन में हुआ था। दोस्तों, इस न्यूज़ से शेयर प्राइस पर इफेक्ट आ सकता है। आप इस काउंटर पर नज़र बनाए रखें और शेयर्स खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।